अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हनी चिली चिकन। हनी चिली चिकन के लिए मैं ली हूँ आधा किलो चिकन और क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली, और बोनलेस चिकन है ये। और इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें 1 साबित अंडा डाल देंगे। अंडा डालने से फ्राई अच्छे होते हैं और ये बिल्कुल जूसी रहते। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला ली। अब इसको कवर कर देंगे, 1 आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया, अब इसको फ्राई कर लेंगे। इसको पहले एक बार मिला लेना। एक कढ़ाई रख दी, इसमें ऑयल डालिए। ऑयल को मीडियम गर्म करना, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, बिल्कुल ठंडा भी नहीं रखना। ठंडा रखने से क्या होता, कोटिंग इसकी निकल जाती है। गर्म करने से क्या होता, ऊपर डार्क होकर जल जाता, अंदर कच्चा ही रहता। जितनी कैपेसिटी है उतना ही डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसको टच नहीं करना। जब एक नीचे की साइड ब्राउन होना शुरू होती, जब इसको पलटा लेना। मीडियम गरम तेल पे फ्राई करना। चिकन हमारा तैयार हो गया, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, अब उसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून विनेगर है, 2 टीस्पून भर के चिली सॉस है, 2 टीस्पून हनी है, शहद जिसमें चिकन फ्राई करे थे, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लिए। थोड़ा सा डाली में लहसुन और अदरक को बारीक चॉप करके, 2-3 हरी मिर्चों को बारीक काट के। अब इसमें डालेंगे विनेगर। सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और शहद। थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। नमक चिकन में था और सॉस में भी रहता, मैं नहीं डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट कर लिया। थोड़ी सी इसमें डालेंगे काली मिर्ची और थोड़ी सी इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। माशाल्लाह तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ी सी प्याज की पत्ती डालेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। मैं ली हूँ बासमती राइस। इसको 1 घंटा पहले पका के ठंडा होने के लिए रख दी। और पकाते वक्त पानी में डालना नमक, नमक डाल के पकाना, लेकिन तेल नहीं डालना। जब छान लेते हम इसको छन्नी में, जब इसके ऊपर ऑयल डाल के ऊपर नीचे कर लेना चावल को। बिल्कुल 100% पका के मैं निथाल ली। क्यों बोलते, ये नरम नहीं होता, ये दम नहीं दे रहे हम। अगर 90% 80% पकाएंगे तो चावल थोड़ा सख्त रहता। इसके लिए मैं ली हूँ थोड़ी सी अदरक और लहसुन को बारीक चॉप कर ली, और गाजर है, 2 गाजर है चॉप कर ली, थोड़ी सी बीन्स की पली है इसको बारीक कट कर ली, पत्ता गोभी है, 1 बड़ी साइज की प्याज इसको चॉप कर ली, 3 अंडे। आप इसकी क्वांटिटी अंडों की बढ़ा सकते या घटा सकते। थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च ज़्यादा डाल के इसको फेंट लेंगे। थोड़ा सा बोनलेस चिकन को नमक डाल के गला ली और इसको श्रेड कर ली। कढ़ाई में ऑयल डाल दी, ऑयल 1-5 टेबल स्पून डाली। सबसे पहले लहसुन को अदरक को थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। चिकन डालेंगे,
बिल्कुल थोड़ी देर ही पकाई में इसको फ्राई करेंगे। ऑलरेडी चिकन गले हुआ है, सारे तरकारियों को डाल देंगे। इसको भी बिल्कुल हल्का सा पकाना है, बिल्कुल गलना नहीं। तरकारी को बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे कच्चापन जाने तक। अभी अंडा डाल के साइड में फ्राई करते जाएंगे। बर्तन जरा कंजेस्टेड हो रहा था इसलिए मैं बदल दी। अंडा हमारा फ्राई हो गया और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना अंडे को फ्राई, जो सॉफ्ट रहना। अब इसमें चावल डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, और नमक, नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब इसमें सॉस हम डालेंगे, 2 टीस्पून विनीगर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। फ्लेम को तेज ही रखना, अब तेज फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनते जाना, सारे फ्लेवर्स सॉसों के, नमक काली मिर्ची का और चिकन है जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें चावल में अच्छे से कोट हो जाते, आ जाते टेस्ट। अच्छा 5 से 7 मिनट इसको तेज़ आंच पर भून के पका ली मैं, अच्छा टेस्ट आ गया चावल में। अब आखिरी में प्याज के पत्ते डालना। चलिए अच्छे से इसको मैं तेज़ फ्लेम पर पका ली, फ्राई कर ली। फ्लेम को बंद कर देंगे, डिश में निकालेंगे। थोड़ी सी प्याज की पत्ती ऊपर से डालेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बना, माशाल्लाह जायकेदार भी बना। थोड़ी सी प्याज की पत्ती ऊपर से डालेंगे। चलिए चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड फालूदा। फ्रूट कस्टर्ड फालूदा के लिए मैं गाढ़ा दूध लिया 1/2 लीटर। इसको पहले से मैं गर्म करना शुरू कर दिया, अच्छे से ये गर्म होना शुरू हो गया। और इसमें डालेंगे 50 ग्राम शक्कर। शक्कर आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा ही रखेंगे। अब शक्कर डिजॉल्व होने तक इसको पकाएंगे। डिजॉल्व होने के बाद शक्कर 5-7 मिनट अच्छे से पकाएंगे। फिर दूध पतला हो जाता फिर उसको वापस जितना गाढ़ा था उस तरह करने के लिए 5-7 मिनट इसको लगते, 5-7 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर, इसका घोल बना के तैयार रख ली। 5-6 मिनट इसको तेज फ्लेम में अच्छे से पका ली। अब इसमें कस्टर्ड का घोल डाल देंगे। एक हाथ से कस्टर्ड का घोल डालेंगे, एक हाथ से मिलाते जाना, नहीं तो इसमें लम्स बन जाते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। फ्लेम को बंद कर देंगे, 1-2 मिनट काफ़ी है, 1-1.5 मिनट काफ़ी है कस्टर्ड डालने के बाद पकाई। वेनिला एसेंस अगर नहीं डालना चाह रहे तो इलायची का पाउडर भी आप इसमें
डाल सकते हैं। अब फ्लेम को बंद कर दी, ये काफ़ी है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होता। अब इसको हम ठंडा करने रखेंगे। फ्रूट कस्टर्ड फालूदा के लिए मैं थोड़े से फ्रूट ली, अंगूर है, सेब है, अनार है, मौज है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ली। 2 टेबल स्पून ये सेवी है, बैम्बिनो की सेवी ली मैं। और एक रेसिपी फालूदा के मेरे चैनल पर है, जो फालूदा सेवी जो बनाते हैं वो उसके साथ मैं वो वीडियो बनाई, उसमें फालूदा सेवी की भी रेसिपी है, आप देख के बना सकते हैं। ये इसमें कम टाइम लगता है, ये फालूदा बिल्कुल आप 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक पैन रख दी और ये सेवी जो फालूदा की सेवी बताई इसको गला लेंगे। चाहे तो आप दूध पकाते वक्त जब भी इसको गला सकते हैं, या अलग गलाना चाहें तो अलग भी गला के उसमें जो कस्टर्ड हम बना के रखे उसमें मिला ले सकते हैं। चलिए सारे चीज़ों को मैं कट करके रख ली। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, अब इसमें सेवी को मिला देंगे। बैम्बिनो जो सेवी हम गला लिए थे इसको बिल्कुल ड्राई होने के बाद जब गलाते हैं तो सूखने के बाद एक दूसरे को स्टिक हो जाती, चिपक जाती, तो हल्का सा पानी इसमें डालकर इसको खिला खिला कर ले सकते हैं। तो सेवियों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े थोड़े फ्रूट्स डालेंगे। सारे फ्रूट एक के बाद एक इसमें डालते जाएंगे। अब इसमें हम कस्टर्ड बना के जो रखे थे डालते जाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद फिर थोड़े से इसमें से फ्रूट्स डालेंगे। थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इस पे डालेंगे मैंगो आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। अब इस पे थोड़े से चेरीज, टूटी फ्रूट या चेरी लगाएंगे और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट रखे थे ड्राई फ्रूट डालेंगे। फ्रूट कस्टर्ड फालूदा की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी है। घर में जो ड्राई फ्रूट है या जो फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सेम चीज़ें डालना। और जो बैम्बिनो की सेवियाँ बताई मैं आपको, वो हमेशा हर जगह अवेलेबल रहते हैं, उसे झटपट आप बना सकते। और मैं उसको अलग गलाई, अगर चाहे तो आप दूध में भी उसको गला कर बना सकते, बिल्कुल कम वक्त में आप ज़बरदस्त फालूदा रेसिपी तैयार कर सकते। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।